बागपत के सम्राट पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज में दो दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सतपाल सिंह ने किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह ने बताया कि सरकार जनता को अच्छे स्वास्थ्य सेवा देने का प्रयास कर रही है, ताकि गरीब से गरीब लोगों का इलाज आसानी से हो सके। लोकसभा क्षेत्र के लोगों के लिए ये दो दिन का मुफ्त में कैंप लगाया गया है। इसमें जो है मुफ्त में टेस्टिंग होगा। अगर हमारे यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है सरकारी, उसमें तो सुविधा होगी। प्राइवेट डॉक्टर के पास है तो प्राइवेट डॉक्टर के पास भेजेंगे, यहाँ पर नहीं है तो मेरिट में मेरिट भेजेंगे, मेरिट में नहीं दिल्ली भेजे जाएंगे। सारा का सारा खर्चा जो है सरकार उठाएगी। किसी भी आदमी को, किसी भी रोगी को कोई भी पैसा नहीं दे रहा, चाहे टेस्ट कितना भी महंगा हो। ये दोनों दिन के लिए पूरा खर्चा जो है भारत सरकार दे रही है, और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार के उस हमारे जितने डॉक्टर हैं उसमें मदद कर रहे हैं। CMO मैडम ने इसमें काफ़ी किया, इनके जितने डॉक्टर हैं, बाहर के डॉक्टर भी आए हैं, दो बाहर के जो है हमारे डॉक्टर मंजू शिवाजी आई हैं, ये भी डॉक्टर भी हैं, विधायक भी हैं, तो ऐसे हमारे बहुत डॉक्टर ला करके इसमें थोड़ा मदद कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हजारों लोगों को इसका जो है फायदा होगा। वहीं स्वास्थ्य मेले में मरीजों के लिए निःशुल्क दवा और इलाज का प्रबंधन किया गया, जिसका सैकड़ों मरीजों ने लाभ लिया। क्या नाम है आपको, क्या दिक्कत थी और क्या दवाई आपने ली है? जी, मेरा नाम मोहम्मद अली है, मैं रटोल जिला बागपत से आया हूँ। हमें हमारे यहाँ के डॉक्टर ने बताया था कि वहाँ पे एक स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है बागपत में, तो इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं। मुझे काफ़ी एक महीने से काफ़ी दिक्कत हो रही है, हार्ट में प्रॉब्लम थी जिससे अस्थमा टाइप इशू हो रहा था और मेरी सांस रुक जा रही थी, और मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, बहुत अच्छे से कंसल्ट कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से उपचार और दवाइयों का यहाँ पे प्रबंधन है। कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या यहाँ पे मरीजों के लिए नहीं है, निशुल्क पर्ची है, निशुल्क दवाइयाँ हैं, और इसके अलावा भी जिला अस्पताल में आगे की जो भी आपको प्रॉब्लम होती है स्वास्थ्य रिलेटेड, तो उससे आप जिला अस्पताल में भी कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर से। वहीं CMO ने बताया कि इस आयोजन के माध्यम से लोगों को उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य मेला लगा क्या है और कितना इससे लाभ मिलेगा? देखिए, ऐसे तो मरीज जाता है अस्पतालों में, अपनी अपनी बीमारी दिखा के चला आता, उन्हें नहीं पता चलता कि स्वास्थ्य विभाग के और क्या क्या कार्यक्रम है। इस तरह हम एक जगह पे बैठ हमने ये मेला लगाया, जिससे लोग अपना इलाज तो कराएंगे ही, साथ में उनको स्वास्थ्य विभाग की और क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, किस किस चीज़ का फायदा किस तरह ले सकते हैं, वो सबका विवरण भी यहाँ पूरा है। तो वो इलाज के साथ साथ पूरे मेले में घूम के देख सकते हैं कि अगर उनको आवश्यकता पड़े या उनके गाँव में या किसी संबंधी को, तो बता सकते हैं कि सरकारी योजनाएँ ये चल रही हैं, आप उनका इलाज मुफ्त में ले सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य मेला है, प्रचार प्रसार और इलाज दोनों ही हैं। इस स्वास्थ्य मेले में आने वाले मरीजों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया गया और निशुल्क इलाज किया गया। पंजाब केसरी TV के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट।